Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Shahjahanpur mein pashu ka maas milne se tanav ka mahol. Darasal, Uttar Pradesh ki Shahjahanpur shehar, Kachcha Kadra mod sthit राधा कृष्ण मंदिर के सामने मांस फेंकने से हिंदू संगठनों में उबाल उठ गया। पवित्र सावन के महीने में शहर के बीचों बीच दो बोरियों में मांस मिलने से तनाव फैल गया। देर रात मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। हिंदू समुदाय के लोगों ने मांस के अवशेष मिलने पर हंगामा शुरू कर दिया और दोषियों को पकड़ने की मांग की। वह हिंदू संगठनों के नेता डीएमएसवी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के कच्चा कटरा मोड़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सामने की है सारी घटना। इस बारे में हिंदू संगठन नेता राजेश अवस्थी ने यह जानकारी दी। सावन मास में जो है हमारे मंदिर के सामने गौ मांस के टुकड़े डाले जाते हैं, प्रशासन को सूचना होती है, पुलिस यहां से अपने आप उठवा लेती है। हमारे प्रशासन सावन मास में इस तरीके से मंदिरों के ऊपर गौ मांस के चित्र डाले जाएंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है, पूरा हिंदू समाज आज सड़कों पे है। अगर यही पुलिस अगर कोई मुल्ला के साथ हो गया होता तो आज यहाँ आग लग गई होती है। डीएमएसपी अभी तक नहीं आया है और आया है तो वहाँ नेतागिरी कर रहा है। नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है, हिंदू समाज सड़क पे है, उसकी बात को सुनना चाहिए और सुनने के बाद उन मुजरिमों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। यहाँ पे जो ड्यूटी लगी है उनको सस्पेंड करना चाहिए, पुलिस चौकी प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। पुलिस प्रशासन केवल मक्खनबाजी, तोड़ो जोड़ो राज करो, वही काम कुछ हिंदुओं को तोड़ करके काम कर रहा है। इसलिए जब तक सही निर्णय नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अगर प्राण भी आहुति देनी पड़ेगी तो मैं प्राण की आहुति दे दूंगा, लेकिन इससे जब से मुझे मुक्ता नहीं होता तब से मुक्ता नहीं करूंगा। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। ये थाना कोतवाली के अंतर्गत जो कच्चा कचरा मोहल्ला है उसके पास में जो राधा कृष्ण मंदिर है उसके पास में ही 3-4 मीटर की दूरी पर एक बोरे के अंदर कुछ जो अवशेष हैं मांस के वो मिले हैं, जिसके संबंध में लोगों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ जल्द से जल्द उसमें हमारी 3 टीम लगाई गई है, उसको जल्द से वर्कआउट किया जाएगा कि ये किसके द्वारा किया गया है और उसमें हमारी 3 टीम लगी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।